जबलपुर के विजयनगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल लंबे समय से विवादों के कारण चर्चा में रहा और इस बार फिर इस प्राइवेट स्कूल के संचालक अखिलेश मैबिन की अभद्रता सुर्खियों में है। स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र देव पटेल के पिता सतीश पटेल ने स्कूल संचालक अखिलेश मैबिन के खिलाफ विजयनगर थाने में गोली मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल पूरा मामला छात्र की फीस जमा न होने और परीक्षा से वंचित करने के बाद टीसी न देने से जुड़ा हुआ है। सतीश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था और 2021 में फीस के विवाद के चलते स्कूल संचालक ने उनके बेटे को परीक्षा से वंचित कर दिया। बेटे का एक साल खराब होने के कारण जब उन्होंने बेटे की टीसी निकलवाने के लिए स्कूल प्रबंधन से बात की तो उन्होंने टीसी देने से इनकार कर दिया। वह जब इस मुद्दे पर बात करने के लिए संचालक अखिलेश मैबिन के पास पहुंचे तो अखिलेश मैबिन ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मैबिन ने उनके साथ गाली गलौज की और अपने गार्ड को निर्देश दिए कि यदि यह स्कूल के आसपास नजर आए तो उन्हें गोली मार दी जाए। जॉय स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है और 10th क्लास के बाद 11th क्लास उसको कंसीडर नहीं किया वहाँ के डायरेक्टर ने, और कुछ फीस और बाकी चीज़ों का मुद्दा बना के उसको एग्ज़ाम नहीं देने के उसका साल ख़राब किया। और मेरे द्वारा जब बात की गई तो पहले भी मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद दोबारा वो मुझे टीसी नहीं दे रहे थे। फिर मैं अपने मित्र के साथ गया तो उन्होंने 5 तारीख को वो मिले नहीं, फिर 6 को वहाँ से 5 को फ़ोन आया कि 6 को आपको सर ने बुलाया। हम 6 तारीख को अकेले मिलने गए थे उनसे और उन्होंने मुझे ऑफिस में बैठा के पहले नॉर्मल बात की, उसके बाद उनकी अभद्रता चालू हुई। उन्होंने मुझे भरपूर गालियां बकी और अपने गार्ड को बुला के मुझे गोली मारने की धमकी दी है जिसके साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। सतीश पटेल आए थे, वो स्कूल गए होंगे तो बताए कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। जिनने लिखित आवेदन दिया है, आवेदन लेके जांच में रखा गया है। जैसे जांच बात पाया जाएगा वैसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।